हाँ दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं एक्स लुकअप। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक डेटा, हम डेटा पे काम करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एक्स लुकअप का। सो एक्स लुकअप के इस्तेमाल से पहले हम आपको बताते हैं वी लुकअप के फीचर्स। वी लुकअप एज आप यूज़ कर ही रहे होंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लगाते हैं वी लुकअप का फॉर्मूला, देन लुकअप वैल्यू। ये है लुकअप वैल्यू। देन हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है स्टेबल में। हमें चाहिए सैलरी, तो हम करते हैं 3 0। एग्जैक्ट मैच के लिए हमें यहाँ 0 एंटर करना पड़ता है, लेकिन एक्स लुकअप का इस्तेमाल करते समय एग्जैक्ट मैच बाय डिफ़ॉल्ट होता है। कॉल एन ए, तो आपको आप बता सकते हैं कि यहाँ पर एन ए क्यों आ रहा है, क्योंकि जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, लुकअप वैल्यू इस टेबल में फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए, तो इट मीन्स लेफ्ट मोस्ट पे होनी चाहिए। सो अगर आपकी लुकअप वैल्यू आपके टेबल में लेफ्ट मोस्ट पे नहीं है, तो आप वो कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करके वी लुकअप द्वारा वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। वो लुकअप वैल्यू लेफ्ट मोस्ट पे होनी चाहिए। तो या तो हम लुकअप वैल्यू को चेंज करें, नेम को फर्स्ट में करें और यूनिक बैच को सेकेंड में, तब यहाँ पर वी लुकअप लगेगा, वरना हमें टेबल को सेलेक्ट करना पड़ेगा लुकअप वैल्यू वाले कॉलम से। अब यहाँ देखिए, हमने 3 सेलेक्ट किया था, दैट मीन्स अगर पूरा टेबल सेलेक्ट करते हैं तो थर्ड नंबर पे सैलरी था, बट अब थर्ड नंबर पे एज है क्योंकि हमने टेबल सिर्फ इतना सेलेक्ट किया है। तो हमें सैलरी चाहिए, तो हम यहाँ करेंगे 2। ना बात कर लेते हैं एक्स लुकअप की। सो एक्स लुकअप में ये डिसएडवांटेज नहीं है, आपको सबसे पहले एक्स लुकअप लिखना है, उसके बाद लुकअप वैल्यू आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। ये बेसिकली ये वाली वैल्यू आपके किस कॉलम में है, आपको वो कॉलम सेलेक्ट करना है। एंटायर टेबल सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो हम सेलेक्ट करते हैं कॉलम जिसमें नेम्स है, उसके बाद आपको आउटपुट में कौन सा कॉलम चाहिए, हमें सिर्फ वही सेलेक्ट करना है, हमें सारे कॉलम या पूरा टेबल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें सैलरी सेलेक्ट करनी, तो सैलरी, देन क्लोज। यहाँ पर हमें एग्जैक्ट मैच के लिए 0 भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। यह वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आपको एक और एडवांटेज मिल जाता है एक्स लुकअप में, अगर आप इस टेबल में कुछ चेंजेस करते हैं। तो आप देखिए, वी लुकअप की वैल्यू 0 हो गई, तो अगर हम टेबल में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वी लुकअप का फंक्शन काम नहीं करता, लेकिन एक्स लुकअप का फंक्शन अभी भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स लुकअप में हमने सिर्फ उतनी ही डिटेल्स को सेलेक्ट किया था जो हमें रिक्वायर्ड है आउटपुट के लिए, बट वी लुकअप में हमें कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट किया था। तो ये है पहला एडवांटेज एक्स लुकअप का। सो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक टेबल है और उसमें से हमें फाइंड करना है कि 10 लाख सैलरी किसकी है, तो क्या ये वी लुकअप से पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि वी लुकअप लेफ्ट में नहीं जा सकता, वी लुकअप सिर्फ राइट में जा सकता है, लेकिन एक्स लुकअप राइट और लेफ्ट दोनों वैल्यू फाइंड कर सकता है। लाइक सपोज अगर आप एक्स लुकअप का इस्तेमाल करते हैं तो आप लेफ्ट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और राइट की भी, बट वी लुकअप में सिर्फ आप राइट की वैल्यू ही फाइंड कर सकते हैं। यहाँ अगर हम वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं, ये लुकअप वैल्यू है, कहाँ फाइंड करनी है, हम सैलरी सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद हम एज और मनी सेकेंड लिख के हम एज फाइंड कर सकते हैं, और 3 लिख के हम मनी भी फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पर कोई वे अराउंड नहीं है आपको उस बंदे का नाम जानने का कि इतनी सैलरी किस बंदे की है। उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा एक्स लुकअप। यहाँ आपको टेबल में चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको सैलरी का कॉलम सबसे पहले रखना पड़ेगा, लेकिन एक्स लुकअप में ऐसी कोई डिसएडवांटेज नहीं है। आप सिंपली एक्स वी लुकअप लगा सकते हैं, उसके बाद आप लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, फिर ये वैल्यू किस कॉलम है आप वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे, आउटपुट में आपको कौन सा कॉलम चाहिए आप वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे और सिंपली क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इतनी सैलरी किसकी है। यहाँ पर अगर मैं चेंजेस करता हूँ तो यहाँ पर आपको चेंजेस मिल जाएंगे। सो बेसिकली हम चेक करना चाहते हैं कि 12,50,000 सैलरी किस बंदे की है, तो उसको चेक करने के लिए हमने वी लुकअप से फॉर्मूला लगाया और एच लुकअप से फॉर्मूला लगाया, बट दोनों ही फॉर्मूले में एन ए आ गया, क्योंकि 12,50,000 इनमें से किसी की सैलरी नहीं है। वी लुकअप में आप खाली वी लुकअप के फॉर्मूले से ही ये आइडेंटिफाई
यहाँ एंटर नहीं कर सकते कि आपको एन ए यहाँ पर शो करना है, लेकिन एक्स लुकअप में अगर यहाँ पर आप कॉमा लगा के मेंशन कर दे डेटा नॉट फाउंड, कुछ भी जो आपको टाइप करना है तो यहाँ पर वो डिस्प्ले कर देगा डेटा नॉट फाउंड। सो ये है एडवांटेज एक्स लुकअप के, यहाँ पर आप डेटा नॉट फाउंड भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं वी लुकअप और एक्स लुकअप में मेजर डिफरेंस जब आप निकाल रहे हो अप्रॉक्स वैल्यू। लाइक सपोज हमने यहाँ क्वांटिटी ले ली है 70, अब हम वी लुकअप से ये क्वांटिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। 70 क्वांटिटी अगर कोई बाय करता है तो उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो हमने 70 क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया, ये होगी वैल्यू। देन हमने टेबल सेलेक्ट कर लिया, देन हमें आउटपुट में चाहिए सेकेंड नंबर की डिटेल विच इज़ डिस्काउंट। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए हमें एंटर करते हैं 0, लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए अप्रॉक्स वैल्यू, तो हम एंटर करेंगे 1 और हम इस टेबल को क्लोज कर देंगे। यहाँ आपको दिखा रहा है कि 70 क्वांटिटी बाय करने पे आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ये इसके बीच में है, और 80 होने पे आपको डिस्काउंट मिलता है 70%, बट उससे पहले और 60 से ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा 40%। तो यहाँ आप कोई भी वैल्यू एंटर कर लीजिए, आपका डिस्काउंट चेंज नहीं होगा जब तक आप यहाँ 80 एंटर नहीं करेंगे, 80 पे आपका डिस्काउंट 75% हो जाएगा। ये था एक्स लुकअप से अप्रॉक्स वैल्यू निकालना। वी लुकअप की एक डिसएडवांटेज है, इस केस में आपका डेटा सॉर्टेड होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे यहाँ क्वांटिटी 0, 20, 40, 60, 80, 100 है, तो जो क्वांटिटी है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, इसलिए आपकी वैल्यू प्रॉपर यहाँ पर आउटपुट दे रहा है। लेकिन अगर यही डेटा को आप चेंजेस कर देते हैं, लाइक सपोज आप 20% को नीचे क्वांटिटी को नीचे लिख देते हैं और 40 क्वांटिटी को ऊपर लिख देते हैं, तो आप देखिए अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा 25 तो ये दिखाएगा 10% डिस्काउंट, जो अभी ठीक है, लेकिन यहाँ अगर मैं 40 भी लिख दूंगा तब भी ये 10% डिस्काउंट ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो ये वी लुकअप का डिसएडवांटेज है, यहाँ पर आपको जो आउटपुट मिलेगा वो करेक्ट नहीं मिलेगा। करेक्ट आउटपुट के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा एक्स लुकअप। नाउ अब यही डिटेल हम एक्स लुकअप से निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स लुकअप, ये हमारी लुकअप वैल्यू है, हमने इसको सेलेक्ट करा। अब ये लुकअप वैल्यू इस टेबल में किस कॉलम में है, ये क्वांटिटी है तो क्वांटिटी वाले कॉलम में है, वो सेलेक्ट करा। आउटपुट में हमें क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, तो डिस्काउंट सेलेक्ट करा। नाउ यहाँ पर आपको फीचर मिलता है कि एग्जैक्ट मैच के लिए आप 0 यूज़ कर सकते हैं, एग्जैक्ट मैच आए वरना आप उससे एक लार्ज वाला सेलेक्ट करें, एक कम वाला सेलेक्ट करें, तो -1 होता है एक कम वाला, तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे -1, क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल एक कम वाली एंटर करेंगे। तो यहाँ आप देखिए आप 25% आ रहा है, 40% पर 25%, अगर मैं यहाँ 39 कर देता हूँ तो यह 10% हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कोई चेंजेस नहीं हो रहे क्योंकि ये डेटा सॉर्टेड नहीं है। अगर यहीं पर मैं यहाँ 60 करता हूँ तो ये दोनों फॉर्मूले करेक्ट डिटेल्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सॉर्टिंग प्रॉपरली है, 70 करने में भी सही आएगा, 80 करने में भी सही आएगा, बट यहाँ की सॉर्टिंग ख़राब है। तो आप यहाँ पर अगर 40% लिखते हैं तो ये डिस्काउंट 10% दिखाएगा, विच इज़ इनकरेक्ट, लेकिन 40% पे आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये है वी लुकअप में अप्रॉक्स वैल्यू की भी डिसएडवांटेज, जिसको एक्स लुकअप ने पूरी तरह कंप्लीट करा है एडवांटेज। अब हम बात करते हैं एक्स लुकअप की मल्टीपल वैल्यू के बारे में। लाइक सपोज अगर हमें इस डेटा में, लाइक सपोज ए हमारे पास एक यूनिक बैच नंबर है और हमें उसकी ये डिटेल्स चाहिए, हमें उसका नाम चाहिए, सैलरी चाहिए, एज चाहिए, मनी चाहिए, जेंडर चाहिए, तो वी लुकअप में यहाँ तो हमें मल्टीपल बार फार्मूला लगाना पड़ता है, यहाँ हमें वो फार्मूला ड्रैग करना पड़ता है कुछ चीज़ों को लॉक करने के बाद, तब हम वी लुकअप से वो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। बट एक्स लुकअप में ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपली यहाँ पर एक्स लुकअप लिख सकते हैं, ये लुकअप वैल्यू सर्च कर सकते हैं, ये लुकअप वैल्यू कहाँ पर है आपको वो कॉलम सेलेक्ट करना है, देन आउटपुट में आपको कितने कॉलम चाहिए वो सेलेक्ट करना है। आप देख रही है स्टार्टिंग से हम एक्स लुकअप में आउटपुट में सिर्फ एक ही कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, हमें पूरा टेबल सेलेक्ट करने की कोई नीड नहीं थी, बट यहाँ पर हम पूरा टेबल सेलेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सारी वैल्यू चाहिए। यहाँ पर 5 वैल्यू है और हमें 5 की 5 वैल्यूज चाहिए, तो हमने 5ों ही सेलेक्ट करके एंटर किया। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगी, आपको अलग से
हर कॉलम पे जाके फॉर्मूला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक एक और आपको एग्जांपल दिखा देते हैं, ये एम्प्लॉय आईडी है, ये यूनिक बैच नंबर है, यहाँ पर हम एक्स लुकअप लगाते हैं, इस यूनिक बैच नंबर को हम फाइंड करते हैं इसमें, और हम आउटपुट में सेलेक्ट कर लेते हैं अगेन ये पूरा, देन एंटर। आप यहाँ देख रहे हैं एक्स लुकअप से वो सारी डिटेल्स ऑटो फिल हो जाती है, हमें इंडिविजुअली हर कॉलम पे जाके वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ता। तो ये एक्स लुकअप के मेजर एडवांटेज है जिसका इस्तेमाल कर सके आप एक्स लुकअप में बहुत सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकते हैं।